नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसानों ने दिया धरना। लखनऊ राष्ट्रीय मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के सरदार वीएम सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रताप बहादुर सिंह प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन सरोजनी नगर तहसील परिसर के बाहर हजारों की संख्या में किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरोजनी नगर तहसील के उपजिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार व लेखपालों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी अपने अधिकारों का नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं। गरीबों की जमीनों को लेखपालों के द्वारा भूमाफियाओं के हवाले की जा रही और गरीबों की सुनवाई नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष के कथन अनुसार बताया गया है कि करोड़ों रुपए कीमती राजस्व विभाग की जमीनों को लेखपालों ने भूमाफियाओं के द्वारा षड्यंत्र के तहत बेचने का कार्य किया है, लेकिन प्रदेश में चल रही योगी सरकार अंधी बहरी सरकार के द्वारा अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किसान यूनियन के नेताओं ने मुहिम छेड़ी है और किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश सरकार उखाड़ फेंकने में किसानों का धरना जारी रहेगा। जो इससे प्यार नहीं करता वो शायद झूठ कह रहा कि हम हिंदुस्तान के किसान हैं। हमें तो नहीं मानता भाई, किसान का मुख्य पेशा, इसी से उसकी जीविका है और इसी से जो बचता है उसी से पूरे समूचन को जनमानस का पेट भरता है। वो कहीं किसी माध्यम से लेता है तो अपना हिस्सा निकाल लेता है, या चाहे खेत से चिड़िया आजकल खेत में लगे हुए हैं वो अपना पेट ले रही, वो तुमसे छूटेगा कोई जानवर भूल से ले जाएगा। लेकिन कुछ सरकारें इस समय अन्याय कर गई। जैसा कि ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।